राम राम दोस्तों। और सुबह के बज गए 8 और अभी मैंने बकरियों को अभी अभी बाहर निकाला सहराने के लिए। सभी बकरियां जा रही है घास खाने के लिए। ये सब भेड़े हैं और बाकी 12 बकरियां, कुल 18 है। और 4 बड़े पशु है, गाय है, 2 बड़ी गाय, 2 बछड़े। एक ही सामने भी, एक पीछे भी, वो देख रही पाड़े। 2 छोटे बछड़े और है जो हमेशा आप देखते हैं। ये फूलों वाला पौधा कितना बड़ा हो गया और फूलों से एकदम लदा हुआ है। इसका नाम किसी ने एक दिन मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन फूल बहुत ऐसे आए इस पर, है एकदम खुशबूदार फूल लगे हुए हैं। और इसकी हाइट भी लगभग 7 से 8 फीट हो गई है। और ये कनेर है, इस पर भी फूल लगे हुए हैं। चलो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों दिन के बज गए 1, अभी हम खाना खा रहे हैं। तो खाने में कासर और मोटपली की सब्ज़ी बनी है और बाजरी का होगरा है, गाय का घी है, ये सब्जी है और ये कांसे का थाल है जीवने के लिए। हम तो यही खाना खाते हैं, ये होगरा है बाजरी का और इस लोटे में दही है। तो आप भी आ जाइए, खाना तैयार है सबके लिए। बस मारवाड़ी खाना खाते हैं, खाना खा के थोड़ी देर से आराम करेंगे और फिर चाय पी के जाएंगे बकरियों को निकालने के लिए। तो अभी बज गए 3:30, चाय बन के तैयार हो गई है, अभी चाय पीते हैं फिर चलेंगे बकरियों को निकालने के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका। और अभी शाम के बज गए 4, तो मैंने इन भेड़ों और बकरियों को बाहर निकाल दिया है सरने के लिए। लगभग घंटे भर हो गया है और लगभग 7 बजे तक सराऊंगा इनको, फिर ले जाके पानी पिलाऊंगा और उसी बाड़े में डाल दूंगा। तो ये देखिए 2 गायें एक्टिव हो गई है, एक हमारी है और एक दूसरी है। तो देखते हैं ये कैसे करती है, ये एक दूसरी को मारेगी तो नहीं, क्योंकि बीच में लोहे की जाली है। और ये अभी खड़ी है, एक तो घास खा रही है और एक उसको देख रही है। इनका कैसा रिएक्शन रहता है देखते हैं। एक बार तो आमने सामने हुई, मैंने देखा लड़ जाएगी, लेकिन लड़ी तो नहीं, फिर भी बीच में बाढ़ थी, नहीं तो लड़ जाती। तो ये हमारे पोता आ गया कनारा, ये मेरे पोता लगता है, मैं इसका दादा हूँ। तो इसे बातचीत करते कर दे कुड़ी। एक बल्ला बहुत धूप नहीं होती, झूठ बट कटे तुम गल की एक बार कहाँ उस बट ऊँची है अभी तड़ी लारे। हाँ बा थोड़ी रे आ दड़ी मार्ग पहली है ना टोंग, तुम क्यों कौन हो। तो दोस्तों ये हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके अवश्य बताना। अगर मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल के साथ लेके
घंटी का बटन अवश्य दबा देना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो, तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल पर। एक बार सभी को राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।